कॉमिक्स डाला था जो काफ़ी ज़्यादा चला इस बार मैं क्रोध का भूत कॉमिक्स इस बार अपलोड कर रहा हूँ उम्मीद है कि ये भी स्टोरी आपको अच्छी लगेगी खून का रिश्ता को सफल बनाने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ज़बरदस्त चली थी एक दिन में दो सौ व्यू आ गए थे जो कि काफ़ी अच्छी बात है सो गाय कृपया शेयर जरूर करें यह रहा इसका फ्रंट कवर क्रोध का भूत कॉमिक्स का फ्रंट कवर आप इसका देख सकते हैं कि मनोज कॉमिक्स का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट होता था अपने आप में वीरय कुमार वत्स जी का लेखांकन है चित्रांकन प्रकाश बांडोदकर का है पुराने जमाने की बात है बालभद्र राज में दीनानाथ नाम का एक अति विद्वान ब्राह्मण रहा करता था वह वहाँ के राजा जयसेन के दरबार में राज पंडित था राजा जयसेन उसकी विद्वता के कारण उसका बहुत सम्मान किया करता था राज पंडित दीनानाथ जी आपके मुकाबले का दूसरा पंडित दूर दूर तक तो कोई होगा नहीं मुझे गर्व है कि आपके जैसा हीरा हमारे दरबार में है महाराज मेरी इतनी अच्छी बड़ाई करके आप मुझे क्यों लज्जित करते हैं मुझ जैसे साधारण पुरुष को आप हीरा करते हैं पंडित दीनानाथ के इस भोलेपन पर राजा जयसेन मुस्कुरा उठता था राज पंडित दीनानाथ के एक पुत्र था जिसका नाम विद्यानाथ था वह बड़ा ही होनहार व बुद्धिमान था वह सदैव शिक्षा अध्ययन में जुटा रहता था समय गुजरा समय के साथ विद्यानाथ युवा हुआ और पढ़ लिख कर वह भी नामी पंडित बन गया माँ सरस्वती अपने दास पर सदैव कृपा करना मेरे ऊपर सदैव अपना वरद हस्त रखना बलभद्रपुर के निवासी दीनानाथ के साथ साथ विद्यानाथ की बुद्धिमानी का भी लोग लोहा मानते थे सब लोग विद्यानाथ की बुद्धिमानी की बड़ाई करते थे लेकिन विद्यानाथ दीनानाथ हमेशा उसे डरता ही रहता था देखो विद्यानाथ मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में बुद्धिमानी का गुरूट चढ़ गया है तुम अभी तुम हो क्या तुम समझते हो कि तुम पूरी तरह सर्वगुण संपन्न हो गए हो नहीं अभी तुमसे अभी एक बात नहीं पूछनी है पिता की बात सुनकर विद्यानाथ जल कर रह जाता था वह मन ही मन सोचता मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन गया हूँ लोग मेरी विद्वता की बड़ाई करते नहीं लगाते पर न जाने क्यों पिताजी का मुझ में दोष ही दोष दिखाई देते हैं समय असमय मुझे डांटते दपटते रखता है लगता है वे मेरे गुरु को देख कर के जलते हैं उसके मित्र उससे पूछते विद्यानाथ तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं पता नहीं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है एक दिन जब वह उसके मित्र किसी विषय पर आपस में वार्तालाप कर रहे थे तो उसके एक मित्र ने उससे कहा विद्यानाथ आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ सही व्यवहार क्यों नहीं करते हैं तुम जानते हो इस बारे में हाँ मित्र सुनो तुम्हारे पिता राजा जयसेन के दरबार में राज पंडित है इसलिए वे अपने सामने किसी विद्वान की विद्वता को भला कैसे स्वीकार कर सकते हैं यही बात है कि वे बात बात पर तुम्हारा अपमान करते हैं हाँ मित्र जो मैंने कहा ठीक कहा है अरे तुम्हारे विद्वता को कौन नहीं जानता तुम तो राज पंडित बनने के योग्य हो पर ऐसा हो कैसे सकता है बरसों त तो इस पद से तुम्हारे पिता ही चिपके हुए हैं वे हटे तो तू तुम्हारे राज पंडित बनने का मार्ग प्रशस्त हो लेकिन अपने जीते जी तुम्हारा पिता ऐसा कभी नहीं होने देंगे मित्र की बात विद्यानाथ के दिल को लग गई वह सोच में पड़ गया इसी तरह कुछ और दिन निकल गए विद्यानाथ के मन में अपने पिता दीनानाथ के प्रति बुरे भाव पैदा हो चुके थे अगर अतः एक दिन क्रोध में आकर उसने भयंकर फैसला किया दिन रात की किलकिल -किल से तो पिताजी को मार देना ही ठीक रहेगा न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी इस प्रकार मुझे डांटने वाले पिताजी से मेरा पीछा छूटेगा और मेरे राज पंडित बनने का रास्ता भी खुलेगा उस रात शरद पूर्णिमा की रात थी आज इस समय तक पिताजी सो चुके होंगे आज उन्हें अपने रास्ते से हटा ही देना चाहिए वह दबे पाँव से उस कक्ष के बाहर पहुंचा, जिस कक्ष में उसके माता पिता सोया करते थे अरे माँ और पिताजी तो अभी तक जाग रहे हैं लगता है दोनों किसी विषय में वार्तालाप कर रहे हैं मुझे छिप कर इनकी वार्तालाप सुननी चाहिए यह सोच वह दोनों दो चुपचाप वही खड़ा होकर दोनों की बातचीत कान लगाकर सुनने लगे स्वामी देखो आज चांद कैसा सुहावना लग रहा है इसका उजाला चारों ओर फैलकर अमृत बरसा रहा है लालमती तुम ठीक कर रही हो अच्छा यह तो बताओ इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान उज्जवल कीर्ति वाला कोई दूसरा है क्या सुनकर दीनानाथ मुस्कुराया है क्यों नहीं है कौन है वह दूर क्यों जाती है लालमती अपने पिता पुत्र विद्यानाथ को ही देखो ना जो चंद्रमा की चांदनी से भी बढ़कर अपनी विद्या का प्रकाश चारों ओर फैला रहा है पर तेरे पुत्र की गुणों की सुगंध से तो संसार महक रहा है उसके व्यवहार की मिठास अमृत के समान सबको तृप्त करती है उसकी यश के सामने चंद्रमा का यश भी फीका है आप तो विद्यानाथ की बहुत बड़ाई कर रहे हैं स्वामी तुम्हारा बेटा है ही इस लायक नालमती धन है तुम्हारी कोक जिसने विद्यानाथ जैसा रत्न पैदा किया देखना मेरे बाद राजा जयसेन विद्यानाथ को ही राज पंडित बनाएंगे लेकिन स्वामी आप तो हर समय विद्यानाथ को डांटते दपटते रहते हैं फिर आज पीठ पीछे उसकी इतनी बड़ाई क्यों लालमती में विद्यानाथ की इसलिए डांटता रहता हो ताकि उसकी प्रशंसा करने से उसका दिमाग सातवें स्थान पर ना पहुंच जाए वह उम्र के जिस दौर से इस समय गुजर रहा है उस दौर में भहकना बहुत सरल है मानता हो कि वह प्रतिभावान है पर अभी उसकी प्रतिभा की बड़ाई करने का समय नहीं है कच्छ से बाहर खड़े विद्यानाथ की दशा बड़ी विचित्र हो गई थी हाय में कितने अंधकार में था बिना सोचे समझे मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था कच्छ से बाहर खड़े विद्यानाथ की कृपा बड़ी विचित्र हो चली थी हाय मैं कितने अंधकार में था बिना सोचे समझे मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था मेरे बारे में तो पिताजी की राय बहुत ऊँची है मैं ऐसे नहीं ऐसे नहीं पिता की ही हत्या करने की सोच रहा था वह ग्लानी में दोबारा लज्जित हुआ वापस लौट गया उस रात उसे नींद न आई मैंने अपने जन्मदाता के विरुद्ध उसकी हत्या का षड्यंत्र रचना चाहा था मैं दोषी हूँ मैंने अक्षम में अपराध किया है इन्हीं सोच विचारों में डूबा हुआ वह रात भर करवटें बदलता रहा अगले दिन प्रातः ही स्नान से निपटा वह दीनाराथ के सामने जा खड़ा हुआ पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ क्या पूछना चाहते हो पिताजी यदि कोई लड़का अपने पिता को मार डाले का संकल्प करे पर विचार बदल जाने से उसे मारे नहीं तो उस लड़के को क्या प्रायश्चित करना चाहिए या सुन दीनानाथ ने उसकी ओर हैरत से देखा फिर कुछ सोचकर बोला सुनो शास्त्रों में इस अपराध के लिए दो ही प्रायश्चित लिखे हुए हैं एक प्रायश्चित तो यह कि वह किसी सूखे हुए पीपल के पेड़ पर चढ़कर उसमें नीचे से आग लगा ले और पीपल के साथ जल मरे दूसरा प्रायश्चित बस पिताजी बस आपने मुझे एक ऐसा प्रायश्चित बता दिया है जिसे करके मैं अपने पाप को धो सकूँगा यह तुम क्या कह रहे हो तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है पिताजी मैं पापी हूँ कल रात मैंने आपको मारने का षड्यंत्र रचा था तब विद्यानाथ ने दीनानाथ को सारी बात बता दी तत्पश्चात पिताजी अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं किसी सूखे पीपल के पेड़ में आग लगाकर उस पर चढ़कर जल मरूंगा ऐसा करने से ही मेरी मुक्ति होगी विद्यानाथ की बात सुनकर दीनानाथ को मानो काटो तो खून नहीं रहा मुझे क्या पता था कि विद्यानाथ स्वयं अपने लिए प्रायश्चित की विधि पूछ रहा था यदि मुझे यह पता होता तो भूल भी उसे इस प्रायश्चित की विधि न बताता अब मैं क्या करूँ इसे कैसे जल मरने से बचाऊ सहसा उसे याद है अभी तो मैंने विद्यानाथ को उसके प्रायश्चित की एक ही विधि बताई है दूसरी विधि सरल है मुझे विद्यानाथ को अब दूसरी विधि बताकर उसे उस विधि पर अमल करने को कहना चाहिए इस प्रकार विद्यानाथ की जान भी बच जाएगी और उसका प्रायश्चित भी पूरा हो जाएगा मन ही मन यह विचार आते ही उसने विद्यानाथ से कहा विद्यानाथ यह ठीक है कि तुमने पाप किया है तुम्हें उस पाप का प्रायश्चित अवश्य ही करना चाहिए लेकिन तुम्हारे किए पाप का एक और प्रायश्चित और भी है तुम्हें वही प्रायश्चित करना चाहिए दूसरा प्रायश्चित क्या है पिताजी दूसरा प्रायश्चित यह है कि तुम्हें पाँच वर्ष के लिए राज्य माता पिता व सबको छोड़कर दूसरे राज्य में जाना होगा उस राज्य में रहकर तुम्हें पाँच वर्षों के अंदर अंदर अपनी विद्वता की धाक जमानी होगी तत्पश्चात गंगा नदी में स्नान करके वापस अपने राज्य लौटना होगा ऐसा करने से तुम्हारे मन में उपजे पाप का कलंक तुम्हारे सिर से हट जाएगा ठीक है पिताजी मैं आपके आज्ञा अनुसार दूसरा प्रयासित करूँगा ही करूँगा याद है बेटा मैं तुमसे बार बार कहा करता था कि अभी तुम्हें एक बात की कमी है और वह कमी है कि तुम अभी अच्छे बुरा का ज्ञान करना नहीं जान पाए हो यदि ऐसा होता तो तुम अपने मित्रों की बातों में आकर मुझे मारने की योजना न बनाते बेटा हर विषय में शांत चित्त से ही सोच विचार करके कोई कदम उठाना चाहिए मैं ऐसा करता हूँ कि पाँच वर्ष के देश निकाले के पश्चात जब तुम वापस लौटोगे तो तुम्हें यह कमी नहीं होगी मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ पिताजी विद्यानाथ अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर हे भगवान हमारे पुत्र की रक्षा करना उसी समय बलभद्रपुर से चल पड़ा विद्यानाथ चलता चला गया चलता चला गया चलते चलते वह काशीपुर राज्य में आ पहुँचा कुछ देर इसी पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लूँ अब आगे बढ़ूँगा उस चबूतरे पर पहले से ही बैठे लोग यह वार्तालाप कर रहे थे राज पंडित भैरव सिंह के निधन के पश्चात महाराजा बजरंग सिंह एक ऐसे सुपात्र की खोज में है जो राज पंडित बनने के योग्य हो हाँ यह बात तो ठीक है राज पंडित बनना कोई सरल कार्य थोड़ी है भैया उसके लिए बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है ऐसी कौन सी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है राज पंडित बनने के लिए राजगुरु कृपाचार्य बहुत ही विद्वान है वह राज पंडित के पद के लिए आए प्रार्थी को एक अधूरी कहानी सुनाते हैं प्रार्थी को उस अधूरी कहानी को पूरा करना होता है यदि राजा राजगुरु की आशानुरूप आशानुरूप प्रार्थी ने अधूरी कहानी को सही प्रकार से पूरा कर दिया तो वह राज पंडित बन सकता है अन्यथा नहीं राज पंडित का पद पाँच माह से रिक्त पड़ा है तब से कई लोग राज पंडित के पद को प्राप्त करने के लिए दरबार में आए <laughs> लेकिन राजगुरु की कसौटी को पर कोई भी खरा नहीं उतरा ओह तो ये बात है विद्यानाथ सोच में पड़ गया क्यों ना मैं दरबार में जाकर राज पंडित पद के लिए महाराज बजरंग सिंह से आवेदन करूँ क्या पता मैं राजगुरु की कठौती पर सरा उतर रहा हूँ दरबार में पहुँच कर वह राजा बजरंग सिंह से बोला महाराज मेरा नाम विद्यानाथ है मैंने सुना है आपके दरबार में राज पंडित का पद रिक्त पड़ा हुआ है तुमने सही सुना है विद्यानाथ तो महाराज मैं उस पद के लिए मैं आपके सम्मुख अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ तुम राज पंडित बनना चाहते हो युवक हाँ महाराज ठीक है तब तुम्हें सबसे पहले राजगुरु द्वारा सुनाई और अधूरी कहानी को सही प्रकार से पूरा करना होगा यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें अपना राज पंडित नियुक्त कर लेंगे ठीक है महाराज आप राजगुरु से कहें कि वह मुझे अधूरी कहानी सुनाए तब बजरंग सिंह का आदेश पाकर राजगुरु कृपाचार्य की कहानी कहानी सुनानी प्रारंभ की किसी नगर में धनपत नाम का एक महाजन रहता था वह बहुत ही चतुर था और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता था उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसका धंधा खूब चलता था धनपत बूढ़ा हो चला था अकस्मात एक बार वह बीमार पड़ गया बीमारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी अपने जीवन से निराश होकर एक दिन उसने अपने चारों पुत्र गणपत महीपत जगपत और जयपत को अपने पास बुलाकर कहा बेटो अब मैं बचूंगा ना मेरे जीवन के कुछ दिन पूरे हो गए लगता है मैं दो चार दिन का ही मेहमान हूँ मरने से पहले मैं तुम लोगों को चार बातें बताना चाहता हूँ यदि तुम उन चार बातों के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा व्यापार और रसूख खूब बढ़ेगा और तुम लोग जीवन भर सुखी रहोगे वे चार बातें कौन सी हैं पिताजी वे चार बातें ये हैं पहली बात यह है कि गांव-गांव में अपना घर बनाना दूसरी बात है कि ठंडे में जाना ठंडे में आना तीसरी बात है कि जिसे कर दो उससे रुपया वापस पाने की आशा न रखना और चौथी बात है कभी सलाह लेनी हो तो तिमुंडा तिघोड़ा से ही सलाह लेना यह सुनकर चारों पुत्रों ने पहले एक दूसरे को और देखा फिर एक स्वर में बोले पिताजी हम लोग आपकी बताई हुई चारों बातों का हमेशा पूरी तरह पालन करेंगे इन चारों बातों से कभी भी एक कदम बाहर न होंगे तब ठीक है मैं चैन से मर सकूंगा कहकर धनपत ने आँखें मूँध लीं और शीघ्र ही प्राण त्याग दिए तब धनपत के चारों पुत्रों ने उनका अंतिम संस्कार किया धनपत की तिरहवी से निपटकर चारों भाई एक दिन सलाह करने बैठे अब हमें वही करना चाहिए जो पिताजी कह कर गए हैं सबसे पहले हमें पिताजी के कहने के अनुसार गांव-गांव में घर बनवाने चाहिए ठीक है पहले इसी बात पर अमल करना चाहिए तो बस फिर क्या था चारों भाई आसपास के गांव में घर बनाने लगे हर वर्ष प्रत्येक गांव से वे दस बीस मकान बनवाते कुछ ही सालों में उन्होंने सैकड़ों मकान बनवा डाले आधी जायदाद मकानों को बनवाने में ही खर्च हो गई प्रति वर्ष इन मकानों की मरम्मत में बहुत में भी बहुत सा रुपया खर्च होने लगा इन व्यर्थ के खर्च के कारण उनकी नाकों में दम आ गया उधर मकान बनवाने में फंसे रहने के कारण व्यापार भी बिल्कुल ठप्प हो गया था दुकान की आमदनी दिन प्रतिदिन घटने लगी थी ऐसी हालत में चारों भाई एक दिन फिर जुड़े पिताजी की पहली सीख है तो हमारा दिवाला ही निकाल डालेगी तुम ठीक करो जयपत तब क्या करना चाहिए <laughs> क्या करना चाहिए मकान बनवाने को बंद करके पिताजी की दूसरी सीख पर अमल करनी चाहिए तुम ठीक कर रहे हो भैया पिताजी ने दूसरी बात बताई थी कि ठंडे में आना और ठंडे में जाना उसका मतलब यह हुआ कि घर से दुकान तक खंभे गड़ा कर छप्पर तैयार करना और दिया जाए छप्पर तैयार करवा दिया जाए उसी के नीचे से हम सब का आना जाना होगा ऐसा करने से कभी धूप में न चलना पड़ेगा ठंडे में आने जाने से पूरी सुविधा हो जाएगी अगले दिन घर से दुकान तक छप्पर खड़ा करके छाया कर दी गई जब चारों भाई भी छप्पर की छाया में से घर से बाहर निकलते पर के छाया में चलते हुए दुकान तक पहुंचते हैं और कभी भूलकर भी धूप में ना निकलते हैं घर से बाहर ना निकलने के कारण देख रहे कि कमी के कारण व्यापार और भी चौपट हो गए चारों भाई आलसी बन गए धनपत की मरते समय कही हुई तीसरी बात पर भी उसके पुत्रों का अमल करना जरूरी तीसरी बात थी कि जिससे कर्ज दो उससे रुपया वापस पाने की आशा मत रखो अतः दुकान से जिसको भी कर्ज दिया जाता था उसकी वसूली बंद कर दी गई अब क्या था लोगों की बनाई वे धड़ाधड़ कर्ज लेते चारों भाइयों के पास आने लगे दुकान की नगद बिक्री प्राय बूंद सी हो गई सभी उधार लेने लगे ले इस तरह कुछ दिन में रही सही दुकान भी चौपट हो गई सारी पूंजी डूब गई फलस्वरूप दुकान बंद करनी पड़ी अब ये चारों भाइयों के खाने में भी लाले पड़ने लगा तो चारों भाइयों घर की रही सही जायदाद बेचकर अपना गुजारा करने लगे इस तरह कुछ दिन और बीत गए चारों भाइयों की कठिनाई दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी एक दिन, दिन, दिन चारों भाई फिर बैठ कर विचार करने बैठे उनके उपदेशों पर चलने से हमारा सारा व्यापार चौपट हो गया दुकान बंद हो गई पूंजी नष्ट हो गई बर्तन भांडे बिक गए और अब खाने पीने को मोहताज हो गए हैं हम लोग पिताजी के उपदेशों पर भी चले फिर भी हमारी यह दुर्दशा क्यों हुई आप ठीक करें भैया पिताजी बड़े अनुभवी थे व्यापार में उन्होंने लाखों रुपए कमाए थे ऐसा क्यों हुआ पिताजी की कही बात को तो कभी खाली नहीं जाती थी <laughs> फिर न जाने उन्हीं के बतला रास्ते पर चलने से हमारी यह हालत क्यों हुई लगता है कहीं ना कहीं हमसे अवश्य भूल हुई है उसे सुधारने के लिए क्या किया जाए <laughs> आपको तो केवल पिताजी की कही चौ बात पर अमल करना बाकी रह गया है उन्होंने कहा था कि कभी सलाह लेनी हो तो तिमुंडा टिगोड़ा से ही सलाह लेना और हम सब इस समय संकट में हैं ऐसे समय में हमें किसी की सलाह की आवश्यकता है तब क्यों ना हम ऐसे समय में पिताजी की कही बात मानते हुए तिमुंडा टिगोड़ा से सलाह ले जयपा तुम ठीक करो पर तिमुंडा टिगोड़ा मिलेगा कहाँ मेरी समझ में तो पिताजी की कही चौथी बात बिल्कुल भी नहीं आ रही थी पिताजी मरते समय यह क्या कह गए भला तीन पाँव और तीन सिर वाला आदमी कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी आज तक तो न कहीं देखा और न ही कहीं सुना तो क्या मरते समय पिताजी ने झूठ बोला था नहीं कदापि नहीं हम चारों को तिमुंडा तिगोड़ा की खोज में आज ही घर से निकल पड़ना चाहिए तिमुंडा तिगोड़ा खोजने <laughs> पर किसी न किसी दिन हमें अवश्य मिलेगा जयपत की मान बात मान सब लोग तिमुंडा तिगोड़ा की खोज में उसी दिन घर से निकल पड़े घर पर गणपत महिपत और जगपत की पत्नियां ही रह गई जग जयपत अभी कुंहरा था एक गांव से दूसरे गांव एक शहर से दूसरे शहर बड़े बड़े जंगल और पहाड़ पार करते करते चारों भाई तिमुंडा टिगोड़ा की खोज में चलते चले गए <laughs> चलते चले गए कहीं पर भी उन्हें तिमुंडा टिगोड़ा नहीं मिला यह देख महिपत खीज उठा मैंने पहला ही कहा था तिमुंडा टिगोड़ा हमें कहीं नहीं मिलेगा पर मेरी बात किसी ने मानी हो तब ना महीपत तिमुंडा टिगोड़ा की खोज में हम बहुत दूर तक निकल आए हैं भगवान हमारी यह मेहनत अवश्य सफल करेगा हमें एक न एक दिन तिमुंडा टिगोड़ा अवश्य मिलेगा महीपत ने गणपत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उनके साथ चलता रहा चलते चलते वे चारों भाई एक नदी के किनारे पहुँचे तभी तो जयपत की नज़र नदी के उस पार पड़ी तो वह बुरी तरह उछल पड़ा मिल गया मिल गया उसके भाइयों ने चौंक कर उसकी ओर देखा क्या मिल गया तब जयपत ने तीनों भाइयों को नदी के दूसरे तट की ओर दिखाते हुए कहा वो देखो नदी के उस पार पेड़ के नीचे एक तिमुंडा बैठा हुआ है तीनों भाइयों ने ध्यान से उसे देखा अरे हाँ सचमुच तीन सिर साफ दिख रहे हैं यही तिमुंडा है हमें नदी पार करके उसके पास जल्दी पहुंचना चाहिए चारों भाई उसी समय नदी में घुस गए नदी पार करके वे सब दूसरी ओर पहुँचे और पास जाकर देखा तो निराश हो उठे अरे यह तो कोई बूढ़ा है इसके ऊपर दोनों घुटने के बीच में इसका सिर है इसलिए दूर से यह तीन सिर वाला दिखाई देता है हमसे हो गई यह तिमुंडा नहीं अब तो बूढ़ा आदमी है चलो वापस लौट चले तब चारों भाई वहाँ से वापस लौटने को मुड़े तो बूढ़े ने रोक उनसे पूछा क्यों भाई क्या बात है तुम लोग किसे खोज रहे हो हमसे गलती हो गई हम लोग तिमुंडा तिगोड़ा की खोज में घर से बाहर निकले हुए हैं हम लोगों ने आपको देखा तो हमने सोचा कि आप ही तिमुंडा टिगोड़ा है इसलिए आपके पास हम आए लेकिन आपके पास आकर हमें निराश होना पड़ा आप तिमुंडा टिगोड़ा नहीं है विद्यानाथ को इतनी कहानी सुनाने के पास राजगुरु पश्चात राजगुरु कृपाचार्य से बोले विद्यानाथ क्या चारों भाइयों को तिमुंडा तिगोड़ा मिल पाया इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ क्या इस अधूरी कहानी को पूरा कर सकोगे आपका आशीर्वाद रहा तो अवश्य पूरा कर पाऊंगा राजगुरु यह कहकर विद्यानाथ कुछ सोचने लगा फिर कुछ देर सोचने के पश्चात राजगुरु आपकी इस अधूरी कहानी में मैं इस प्रकार पूरी कर रहा हूँ सुनिए गणपत की बात सुनकर बुढ़ा मुस्कुराया तत्पाश्चात उसने गणपत से कहा तुम दोनों से कोई गलती नहीं हुई है मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश और मैं ही तिमुंडा टिगुड़ा हूँ और अब बताओ तुम मेरी खोज में क्यों निकले हो क्या सुनते ही चारों भाई उसके चारों ओर बैठ गए और तब गणपत ने उससे कहा बाबा पहले आप यह बताइए कि आप तिमुंडा टिगोड़ा कैसे हैं मुझे तो आपके सिर और दो पाँव ही दिखाई दे रहे हैं इतना कहकर गणपत ने बूढ़े को अपने पिता की कई चारों बातों के बारे में बताया सारी बात जानकर बूढ़ा उनसे बोला देखो बुढ़ापे के कारण मेरा माथा झुक गया है इस कारण जब मैं बैठता हूँ तो दोनों घुटनों के बीच मेरा माथा आ जाता है और मेरे तीन माथे दिखाई देते हैं इसलिए मैं तिमुंडा हूँ मेरी लाठी मेरा तीसरा पांव है मैं इसी के सहारे चलता हूँ इसलिए मैं तिगोड़ा हूँ तुम्हारे मैं तुम्हारे पिता के कहने का मतलब समझ गया हूँ उनका कहना था कि जब कोई सलाह लेनी हो तो किसी वृद्ध मनुष्य से, से लेना वृद्ध मनुष्य ही तिमुंडा तिगोड़ा होता है चारों भाइयों को बूढ़े की बात जच गई तब गणपत ने उससे पूछा बाबा हम चारों भाइयों ने अपने पिता की कही हुई बातों का पूरा पूरा पालन किया फिर क्या कारण है कि हमारी बर्बादी हो गई क्या हम लोगों से उनकी बातें समझने में कुछ गलती हो गई कृपा कर हम लोगों को सही रास्ता बतलाइए तब बूढ़े ने चारों भाइयों से कहा यह ठीक है कि तुम अपने बुद्धिमान पिता के कहे वचनों का मतलब नहीं समझा सके और उनके ठीक विपरीत चले इसलिए तुम चारों की बर्बादी हुई सुनो मैं तुम्हारे पिता के कहे उपदेशों का असली मतलब तुम्हें बताता हूँ उसके अनुसार चलोगे तो तुम चारों का अवश्य ही कल्याण होगा पहली बात की कि तुम लोग एक पिता ने कही थी कि गांव गाँव में मैं अपना घर बनवाना इसका मतलब यह था कि तुम लोग गांव वालों के मन में अपने प्रति घर बनाओ उनके सुख दुख में सहायक हो और उनसे प्रेम भाव रखो जिससे वे तुम्हें अपने घर का आदमी समझने लगेंगे यदि तुम ऐसा व्यवहार सब लोगों के साथ बनाते हो तो तुम्हारी दुकान खूब चलती है। तुम धनवान हो जाते हो तो यह कहना था हमारे पिता का तब तो हम बेकार ही गांव-गांव में नए नए मकान बनवाते रहे दूसरी बात यह थी कि ठंडे में आना और ठंडे में जाना इसका मतलब यह नहीं था कि तुम लोग धूप से परहेज़ करने लगो उनका मतलब यह था कि खूब सुबह दुकान पर जाओ और दिन भर दुकान पर रहो संध्या होने पर घर आओ यदि तुम इस तरह दिन और भर दुकान पर रहते तो देख रेख अच्छी होती और धंधे में गिरावट ना आने पड़ती और तब तो हम बड़ी गलती कर पर बैठे घर से लेकर दुकान तक छप्पर से राह ढकवा दी थी अब तीसरी बात के बारे में सुनो तीसरी बात थी जिसे कर्ज दो उससे रुपया पाने की आशा मत रखो इसका अर्थ यह नहीं था कि तुम कर्ज की वसूली न करो हमारे पिता का कहने का आशय यह था कि तुम जिसे कर्ज दो उससे रुपयों की वसूली की जुगत पहले ही कर लो सौ रुपये दो तो सवा सौ रुपये का माल अपने पास गिरवी रख लो <स्थ> रुपया यही समझ कर दो कि वह वा वापस नहीं आएगा ऐसा करने से व्यापार में कभी घाटा नहीं पड़ता ओ या भी हम मात खा गए सबको खुले हाथों कर्जा बांट दिया तुम्हारे पिता की कहने का आशय यह था कि तुम जिसे कर दो उससे रुपया की वसूली की जुगत पहले ही कर लो सौ रुपये दो तो सवा सौ रुपये का माल अपने पास गिरवी रख लो रुपया यही समझ कर दो कि वह वा वापस नहीं आएगा ऐसा करने से व्यापार में कभी घाटा नहीं मरता है और यहाँ पर भी हम बात खा गए सबको खुले हाथ ही कर्जा बांट दिया सौ रुपया दो तो सवा सौ रुपये का माल अपने पास गिर भी रख लो सौ रुपया यही समझ कर दो कि वह वा वापस नहीं गया ऐसा करने से व्यापार में कभी घाटा नहीं बढ़ता ओ यहाँ भी हम बात कहकर सबको खुले हाथ कर्जा बांट दिया चौथी बात तुम लोगों के पिता ने यही कहा तिमुंडा टिगोड़ा से सलाह लेना इसका मतलब तुम समझ गए हो तुम्हारे पिताजी का यही कहना है कि जब कोई कठिन प्रसंग आ पड़े तब तुम इसे केवल अपनी बुद्धि या या मूर्खों से सलाह लेकर मत निपटाओ बल्कि उसके विषय में किसी अनुभवी बूढ़े से सलाह लो राजगुरु को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात विद्यानाथ ने आगे कहा राजगुरु धनपत के चारों पुत्र अपने पिता की चारों बातों का सही अर्थ समझ गए थे अतः वे बूढ़े से आज्ञा लेकर घर वापस लौट गए बूढ़े की सलाह के अनुसार काम करने से कुछ ही दिनों में पहले के समान धनी बन गए विद्यानाथ के द्वारा कहानी पूरी करने का ढंग देखकर राजगुरु प्रसन्न हो उठे विद्यानाथ तुम निश्चय ही अत्यंत बुद्धिमान हो तुमने मेरे द्वारा सुनाई कहानी को सही तरीके से पूर्ण किया तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रत्युत्तर में विद्यानाथ ने झुककर उन्हें प्रणाम किया बजरंग सिंह के कहने पर विद्यानाथ ने आगे बढ़कर राज पंडित का खाली स्थान ग्रहण किया अब राजा बजरंग सिंह ने उससे कहा विद्यानाथ चूंकि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो इसलिए हम तुम्हें अपना राज पंडित नियुक्त करते हैं धन्यवाद महाराज विद्यानाथ हमें गर्व है कि राज पंडित के रूप में तुम जैसा हीरा महाराज बजरंग सिंह के दरबार में स्थान पा गया है राजा बजरंग सिंह की ओर से विद्यानाथ को रहने के लिए एक महल दे दिया गया विद्यानाथ नित्य प्रति अपने महल में माँ सरस्वती की पूजा करता और तत्पश्चात दरबार को जाता है इस प्रकार धीरे धीरे दिन गुजरने लगे एक दिन राजा बजरंग सिंह आखेट खेले बजरंग वन में गया तभी बुहू हु अरे इस विवाह में कौन रो रहा है कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे बैठा है एक आदमी रोता हुआ दिखाई पड़ा हु अरे यह तो रो रहा है ए तुम कौन हो और इस प्रकार क्यों रो रहे हो अब बूहू महाराज मेरा नाम अभय है मैं बहुत अभागा हूँ जिसके यहाँ भी काम करता हूँ कोई ना न जाने क्यों वहाँ से कुछ दिन बाद ही निकाल लिया जाता हूँ अब कोई मुझे अपना रखने को तैयार नहीं है लेकिन क्यों मेरी फूटी किस्मत आप ही बताओ महाराज जब आदमी के पास पेट भरने के लिए रोजी रोटी ना हो तो उसकी क्या दुर्दशा होती है उस अवस्था में उसका मर जाना ही श्रेयसर है इस सर। मैं इस वन में इस इसलिए आया था कि यहाँ कोई ना कोई जंगली जानवर मुझे मारकर खा लेगा पर यहाँ आकर भी मेरी किस्मत ने मुझे दगा दे दी बहुत दिन से देर से यहाँ बैठा हूँ फिर भी कोई जंगली जानवर मुझे खाने नहीं आया है इस बात पर मैं रो रहा हूँ ऐसी अवस्था में उसका मर जाना ही श्रेयस्कर है मैं इसलिए वन में गया था ताकि कोई जंगली जानवर मुझे मारकर खा लेगा पर यहाँ आकर भी मेरी किस्मत ने मुझे दगा दे दी बहुत देर से यहाँ बैठा हो फिर भी कोई जंगली जानवर मुझे खाने के लिए नहीं है इस बात पर मैं रो रहा हूँ ओह ये आदमी तो बहुत दुखी लगता है तभी अपने जीवन से इतना निराश है यह सोचकर बजरंग सिंह ने अभय से कहा अभय तुम रो नहीं मैं तुम्हें अपने यहाँ सेवक रखने के लिए तैयार हूँ क्या सच महाराज बिल्कुल सच अभय महाराज कहीं आप भी मुझे अन्य लोगों की तरह बाद में नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे घबराने की कोई बात नहीं मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर तुम आज मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे तो अभी मुझे स्वीकार है ओ महाराज तब तो आप बड़े दे, ही दयालु हैं उस दिन आखेट के पश्चात बजरंग सिंह अभय को अपने साथ काशीपुर ले आया अभय आज से तुम हमारे मुख्य सेवक हो हम तुम्हारी नियुक्ति अपने कक्ष के द्वार पर करते हैं यह तो मेरा अवभाग्य होगा महाराज उस रात जब अभय बजरंग सिंह के सहन कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था तो कक्ष के अंदर बजरंग सिंह जाया हुआ सैया पर बैठा कुछ सोच रहा था एक अनजान आदमी को अपना मुख्य सेवक बनाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की मैं अभय के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता हूँ वह कौन है कहाँ का है वह यही सब सोच ही रहा था कि तभी दिव्य प्रकाश फैलाती हुई एक देवी उसकी सैया के समक्ष प्रकट हुई सहसा उसे देख कर राजा उसे देखकर तुरंत सैया से उतर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर उससे पूछा देवी आप कौन हो और आधी रात के समय क्यों प्रकट हुई है राजन मैं राज लक्ष्मी हूँ तुम्हारे महल में अब शनिचर का वास हो गया है इसलिए अब मैं इस महल में नहीं ठहर सकती मैं तुम्हारा राज छोड़ कर जा रहा हूँ मेरे राजमहल में शनिचर का वास यह कैसे हो सकता है इतने ना भूलो भोले बनो राजा बजरंग सिंह शनिचर को तुम खुद न्योता देकर काशीपुर में लाए हो और अब अनजान बन रहे हो यह क्या कर रही हो राजलक्ष्मी मैं सचमुच शनिचर के बारे में नहीं जानता हूँ तो सुनो जिस अभय को तुमने अपनी नौकरी पर रखा है वह साक्षात से देव है अभय का रूप बदल कर वह तुम्हारे यहाँ आया है अब वह यहाँ या तो वह रहेगा या तो मैं रहूँगी क्षमा करना दे मैंने अभय को वचन दे दिया है कि मैं आजन्म अपने यहाँ नौकरी पर रखूँगा सो उसे अपने राज्य से निकालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता हाँ यदि आप राज्य छोड़कर जाना चाहती हैं तो जाओ इसमें मेरा क्या बात है ठीक है तो मैं ही जाती हूँ इतना कहा राजलक्ष्मी कक्ष से निकल गए राजलक्ष्मी के जाने के बाद बजरंग सिंह पुनः सोच में पड़ गया राज लक्ष्मी को इस प्रकार चले जाने को कहकर मैंने कहीं गलती तो नहीं की राज लक्ष्मी का इस प्रकार राज छोड़कर चले जाना क्या ठीक है बजरंग सिंह सारी रात इन्हीं सोच विचारों में डूबा सैया पर लेटा करवटें बदलता रहा अगले दिन जब वह राज दरबार में गया तो राज पंडित विद्यानाथ ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए उससे कहा महाराज आज आप कुछ उदास लग रहे हैं क्या कारण है नहीं विद्यानाथ ऐसा कुछ नहीं यह तुम्हारा भ्रम है कहकर बजरंग सिंह ने बात को टाल दिया उसी रात को जब वह महल के बरामदे में बेचैन सा घूम रहा था तो देव कौन है आप और इस समय असमय कहां कहाँ जा रहे हैं राजन मैं कुशल छमू जिस घर में शनिचर का वास हो जाता है मैं उस घर में नहीं रह पाता राजलक्ष्मी तो चली गई मैं भी जा रहा हूँ बजरंग सिंह उदास मन से उससे बोला अच्छी बात है देव जाइए इसमें मेरा क्या बस है जाता हूँ राजन यह कहकर देव महल से चला गया अगले दिन विद्यानाथ ने पुनः बजरंग सिंह से पूछा महाराज मेरा मन कहता है आप नीचे ही किसी दुश्चिंता में फंसे हुए कृपया मुझे उसके विषय में कुछ बताइए क्या पता कि मैं आपकी दुश्चिंता को हल कर सकूँ विद्यानाथ कोई दुश्चिंता हो तो तुम्हें बताओ भी तुम व्यर्थ ही मेरे विषय में परेशान हो रहा हो उस रात बजरंग सिंह परेशान से अपने शयन कक्ष में सैया पर लेटा हुआ था देवियों कौन है आप राजन हम दोनों रिद्धि सिद्धि हैं शनिचर के रहते हैं हमारा यहाँ गुजर कहाँ जहाँ लक्ष्मी और छेम गए हैं हम भी वहीं जा रहे हैं आपकी मर्जी तब रिद्धि सिद्धि उसके कक्ष से बाहर निकल गई अब तो बजरंग सिंह बुरी तरह परेशान हो उठा राजलक्ष्मी कुशल छेम और रिद्धि सिद्धि एक एक सब छोड़कर के मुझे जा रहे हैं केवल एक शनिचर के कारण इन सबको राज्य छोड़कर जाने देने की अपेक्षा मैं क्यों न अभय को ही राज्य से चले जाने को कह दूँ लेकिन अगले ही पर उसने अपने ऊपर ग्लानी होने लगी नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं बड़ी से बड़ी चीज़ त्यागने को तैयार हूँ बड़े से बड़े कष्ट सहने को तैयार हूँ पर मैं अपने दिए वचन से मुंह मोड़कर धर्म भ्रष्ट कभी नहीं होऊंगा अभय को दिए वचन के कारण मुझ पर जो भी विपत्ति आएगी वह मैं अवश्य भोगूंगा भाग्य में जो भी लिखा है वह तो होकर ही रहेगा अगले दिन जब उसकी विद्यानाथ से मुलाकात हुई महाराज मैं आपको आपको मेरी सौगंध है आज आपको अपनी परेशानी के विषय में मुझे बताना ही होगा विद्यानाथ तुमने अपनी सौगंध देकर मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है अब तो तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा तब बजरंग सिंह ने सारी बात विस्तारपूर्वक विद्यानाथ को बताई कुछ सोचकर वह बजरंग सिंह से बोला महाराज आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया राजलक्ष्मी कुशल छेम और दि सिद्धि सब आपको छोड़कर चले गए हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं महाराज अभी आपका धर्म आपके साथ है सारी बात जानकर हूँ तो महाराज यह है आपकी परेशानी का कारण विद्यानाथ सोच में पड़ गया आप उसे अपने राज्य से न जाने देना मेरे ख्याल से आज रात धर्म आपके राज्य से जाने की चेष्टा करेगा बस आप उसे न जाने देना धर्म को रोके रहने से आप पर कोई विपदा नहीं आएगी ठीक है विद्यानाथ मैं ऐसा ही करूँगा उस रात्रि को सचमुच ही बजरंग सिंह की, की मुठभेड़ एक देव पुरुष से हुई देव आप कौन है मैं धर्म हूँ राजन तुम्हारे महल में शनिचर का वास हो जाने के कारण मैं जहाँ राज राज लक्ष्मी कुशल चेंबर और सिद्धि गए हैं मैं भी वहीं जा रहा हूँ इतना सुनते ही बजरंग सिंह ने लपक कर धर्म का हाथ पकड़ लिया प्रभु आप कहाँ जाते हैं इस दास ने तो आपके कारण ही सबको त्यागा है इतने पर भी आप जाना चाहें तो महल का द्वार आपके जाने के लिए खुला है बजरंग सिंह का कथन सुनकर धर्मदेव झिझक कर आ गया और मन में सोचने लगा राजा ठीक ही तो कह रहा है मेरी रक्षा के कारण ही तो इस पर यह सब विपत्ति आई है सबको छोड़कर इसने मुझे ही तो पकड़ा है ऐसी दशा में मैं अपने भक्त को छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ राजन तुम ठीक कहते हो तुम सबको त्याग कर मुझे पकड़ा है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता इतना कहकर धर्मदेव बजरंग सिंह में समा गए यह देखकर उसने चैन की सांस ली तभी राजलक्ष्मी लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि उसे उनके सामने प्रकट हुए अरे आप लोग बिना बुलाए वापस कैसे आ गए राजन जिस स्थान पर धर्म रहता है उस स्थान पर हम लोग कदापि नहीं छोड़ के जा सकते धर्म के पीछे पीछे राजलक्ष्मी कुशलक्षम और रिद्धि सिद्धि सभी चलते हैं धर्म ने भी तो यही कहा जाना तय किया था लेकिन जब वह स्वयं नहीं गया तो हम कैसे जा सकते इसलिए हम सब वापस लौट आए हैं उस रात बजरंग सिंह चैन की नींद सोया अगले दिन अभय हाथ जोड़कर बजरंग सिंह से बोला महाराज अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए क्यों जाना चाहते हो अभय मैंने तो तुम्हें आजन्म अपना सेवक बनाए रहने का वचन दिया था मैं महाराज मैं अभय नहीं वास्तव में शनिचर देव हूँ आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से ही अभय का रूप धर कर आपके पास आया था आप अपनी परीक्षा में खड़े उतरे आपने सबको छोड़ा लेकिन मुझे ना छोड़ा यह देखकर मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुई तब तो बजरंग सिंह को आशीर्वाद देकर शनिचर देव अपने असली रूप में आकर वहाँ से वापस चला गया और बजरंग सिंह ने विद्यानाथ को बुलाया विद्यानाथ तुम्हारे सूझबूझ के कारण हमने धर्म को अपने राज्य से जाने को रोका था जिसके फलस्वरूप मुझे सब चिंताओं से मुक्ति मिल गई है लेकिन अभी मुझे एक और चिंता है कि तुम मुझे उस चिंता से मुक्ति और दिला दो बताइए महाराज वह चिंता कौन सी है विद्यानाथ वह चिंता है मेरी बेटी राजकुमारी मधुमती मुझे उसके विवाह की अत्यंत चिंता है मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ उससे विवाह करने की स्वीकृति देकर तुम मुझे उसकी चिंता से मुक्त कर दो ओह तो यह बात है कुछ सोचकर विद्यानाथ ने बजरंग सिंह से कहा महाराज मैं राजकुमारी मधुमती के साथ विवाह करने को तैयार हूँ शीघ्र ही शुभ लगन में राजकुमारी मधुमती और विद्यानाथ का विवाह हो गया विवाह के पश्चात बेटा विद्यानाथ आज से तुम हमारे राज पंडित नहीं अपितु हमारे दमाद हो मधुमती हमारी इकलौती पुत्री है इसलिए आज से हमारा सब कुछ तुम्हारा हुआ मेरे बाद अब तुम ही काशीपुर के राजा बनोगे इस प्रकार विद्यानाथ मधुमती के साथ सुखपूर्वक महल में रहने लगा धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया एक दिन महल के सरोवर में नौका विहार करते हुए राजा बजरंग सिंह की नौका सरोवर में डूब गई उस दुर्घटना में राजा बजरंग सिंह व महारानी रूपमती दोनों ही मारे गए विद्यानाथ ने महाराज और महारानी का अंतिम संस्कार किया अब विद्यानाथ को काशीपुर का राजा बनाया गया राजा विद्यानाथ अमर रहा राजा बन विद्यानाथ सुचारू रूप से काशीपुर का राजकाज करने लगा विद्यानाथ को जब काशीपुर में रहने रहते रहते पूरे पाँच वर्ष हो गए तो एक दिन उसने सोचा मेरे माता पिता बलभद्रपुर में मेरे वापस लौटने की राह देख रहे होंगे मुझे शीघ्र ही उनके वापस वापस उनके पास वापस जाना चाहिए अगले दिन वह रथ में बैठकर रानी मधुमति के साथ बलभद्रपुर की ओर चल दिया बलभद्रपुर पहुँच जब वह अपने माता पिता के सम्म पहुँचा बेटा तुम आ गए विद्यानाथ यह तुम्हारे साथ कौन स्त्री है पिताजी आपके पुत्र वधू और काशीपुर की रानी मधुमती है तो क्या राजा बनकर विद्याचारू रूप से काशीपुर का राजकाज करने लगा मेरे माता पिता बलभद्रपुर में मेरे साथ वापस लौटने की राह देख रहे होंगे मुझे शीघ्र ही उनके पास जाना चाहिए पिताजी यह आपके पुत्र पुत्रोधी और काशीपुर की रानी मधुमती है तो क्या तुम काशीपुर के राजा बन गय हाँ पिताजी तब विद्यानाथ ने अपने राजा बनने की बात विस्तार पूर्वक दीनानाथ को सुनाई विद्यानाथ ने सारी बात जानकर कहा विद्यानाथ आज तक मैं पीठ पीछे तुम्हारे बड़ाई करता आया हूँ आज तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूँ तुम वास्तव में बहुत बड़े बुद्धिमान हो तुमने राजा बनकर मेरा नाम रोशन किया है मुझे तुम पर गर्व है बेटा विद्यानाथ अपने माता पिता को अपने साथ काशीपुर ले गया और सुखपूर्वक उनके साथ रहने लगे तो इस प्रकार दोस्तों ये कहानी खत्म होती है आपको कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे इसी उम्मीद में आपसे विदा लेता हूँ एक अच्छी और बेहतरीन कहानी के साथ जल्दी ही आपसे मिलूँगा आपका दोस्त प्रशांत राजन धन्यवाद बहुत बहुत